आज दिनांक 19 जनवरी 2021 वर्ग प्रथम से दसम वर्ग तक विषय गीता पाठ संस्कृत अध्याय एक श्लोक नंबर 43 और 44 43 और 44 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग इसे शांति ढंग से पवित्र भाव से इसको देखें और पढ़ें। गीता श्लोक पढ़ाई होने जा रही है। सबसे प्रथम बात यह है कि आप जो भी चीज़ पढ़िए एकाग्रचित्त और आस्था लगाकर पढ़िए। जब आपको किसी चीज़ की आस्था हो जाएगी तो आपको पढ़ने की रुचि बढ़ेगी, चाहे भगवान की आस्था हो या स्वाध्याय अपना किताब का किसी चीज़ का। तो संस्कृत के में लिखा हुआ है गीता पाठ, जो कि आपको मालूम होगा कि गीता पाठ के रचयिता वेद व्यास जी थे और वेद व्यास जी ने संस्कृत में गीता पाठ की कुल संख्या 18 और गीता श्लोक की संख्या 700 है। आपको बार बार हम बतलाते जा रहे हैं कि भूले आप नहीं। दूसरी बात, आप दुर्गा सप्तशती किताब भी आप लोग पढ़ते हैं, उसकी भी सब श्लोक की संख्या 700 है। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आप इसको समझिए और इसको भाव में पढ़िए। कुलघानाम वर्ण शंकर कारकय उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता उत्सन कुल धर्मानाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतित नुसुरम। एक बार आप भाव में पढ़िए। दोषरत कुलघानाम वर्ण शंकर कारक उत्साह धन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता उत्सन कुल धर्मानाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनित्यं वासो भवतीत्व नुसुश्रम सुश्रुम। आपको ये गीता पाठ का श्लोक था 43 और 44। अब आप लोग इसका अर्थ को समझिए। अर्थ को समझने के पहले आपको यह प्रसंग जानिए कि कहाँ से लिखा गया है, कब यह घटना घटी है। तो आपको रोज़ हम कहते जा रहे हैं, प्रतिदिन गीता पाठ पढ़ाई हो रही है कि अध्याय एक का संजय और धृतराष्ट्र का प्रसंग है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष शोक व्याप्त शोक मुद्रा में हैं। वे अपने बंधु बांधव से बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वे युद्ध करना नहीं चाहते हैं और कौरवों के पास कायरता का गुण भरा हुआ है। वे युद्ध करना चाह रहे हैं, उनके कौरवों के पास अभिमान बहुत बढ़ गया है। भगवान श्री कृष्ण के लाख समझाने के बाद भी कौरवों ने नहीं समझा, वे युद्ध ठान लिया। इस प्रकार से आप इसका अर्थ सुनिए। अर्थ है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, इन वर्ण शंकर
कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यह श्लोक नंबर 43 का इसका अर्थ हुआ। अब 44 को देखिए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कहते हैं कि हे जनार्दन, हे मुरारी, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस प्रकार से बच्चों आप देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष शोक व्यथा और मोह से व्याप्त व्याकुल हैं, अपनी व्याकुलता व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से आप जो है किसी चीज़ को जब पढ़िए तो उसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको पवित्र भाव से पढ़िए, क्योंकि गीता पाठ कोई सरल विषय नहीं है, आसानी नहीं है, क्योंकि गीता पाठ पढ़ने में पढ़ने से आपका एक नया चरित्र का निर्माण होगी। जब चरित्र का निर्माण हो जाएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ जाने का मतलब आपका विकास हो जाएगा, आप उन्नति करेंगे। आपको आप जो भी पढ़ते हैं सभी परीक्षाओं प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका स्थान अव्वल होगा, आप विजयी होंगे। इस प्रकार गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप गीता पाठ को अपने भी पढ़िए और अपने समस्त परिवार को भी सुनाइए। आप जिसे भी सुनाएंगे इस पाठ को तो वे बहुत ला इस तो आपको आपको भी लाभ मिलेगा और जो सुनेंगे उनको भी लाभ मिलेगा। इस प्रकार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।